तो फाइनली भाई लोगों, जिस मूवी के इंतजार में दिन से महीने बीत गए उसके बारे में कुछ तो पता चला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सलार मूवी के बारे में, जिसको अब 100 दिन से कम रह गए रिलीज होने में। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे सलार मूवी की अपडेट के बारे में। तो भाई लोग, अगर बात करें सलार मूवी की, तो इसका एक 100 डेज काउंटडाउन वाला रिलीज पोस्टर आया है, जिससे ये पता तो चलता है कि इस मूवी के काम को लगता है ऑलमोस्ट खत्म ही होगा, क्योंकि इस पोस्टर को इसीलिए रिलीज किया होगा। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि ये मूवी शायद मॉन्स्टर यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। और भाई लोगों, इस मूवी के कैमरामैन विजय बालन ने ये भी कहा है कि ये मूवी डार्क सेंट्रिक मूवी होने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस कैमरे का इस्तेमाल KGF 2 मूवी में किया गया था, जिसका नाम था सिग्नेचर और जिसका रेशियो था 3.2K, अब ये मूवी में उसका अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इस कैमरे का नाम है एलेक्स कैरी विथ सिग्नेचर लेंस, जिसका रेशियो 4K विथ IMX। और इस कैमरे का इस्तेमाल आज से पहले किसी भी इंडियन मूवी में नहीं किया गया था, और इस कैमरे का इस्तेमाल सलार मूवी में किया जा रहा है, जिसके विजुअल को आपको डार्क दिखाया जाएगा, जो आपने KGF फ्रेंचाइजी की सीरीज में भी देखा होगा। और क्या पता शायद इसमें आपको रॉकी का कैमियो भी देखने को मिल जाए इस मूवी में। तो भाई लोग, अगर बात करें सलार मूवी के मेन लीड यानी प्रभास की, तो प्रभास के दिन वैसे भी दोस्तों काफ़ी बुरे चल रहे हैं, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद उनकी जितनी भी मूवी आई हैं उन्होंने कुछ काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि उन मूवी के कंटेंट कहीं ना कहीं अच्छे नहीं थे। मूवी ने कलेक्शन काफ़ी अच्छे किए, लेकिन उसके कॉन्टेंट अच्छे नहीं थे। उनकी जो अभी रिसेंट की मूवी है जिसका नाम आदिपुरुष, उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। उसको लेकर उस मूवी के मेकर्स का क्या हाल है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग। सलाह, ये दुख का खत्म नहीं होता भे। तो भाई लोग, अगर बात करें प्रशांत नील की, तो आज की डेट में गैंगस्टर मसाला मूवी बनाने वाले इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं। चाहे वो बात करें उनके KGF फ्रेंचाइजी की, फिर चाहे वो बात करें जूनियर NTR के साथ आने वाली मूवी NTR 31 की, वो भी मूवी एक गैंगस्टर मसाला मूवी होने वाली है। और फिर चाहे वो बात करें सलार मूवी की, ये भी एक गैंगस्टर मसाला मूवी है। इससे तो ये पता चल जाता है कि प्रशांत नील आज की डेट में गैंगस्टर मसाला मूवी बनाने के मास्टर हैं। और दोस्तों, अगर प्रभास की बात करें तो उन्हें भी प्रशांत नील का ही सहारा, क्योंकि उनकी ये मूवी भी नहीं चली तो भाई उनके स्टारडम का क्या होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो प्रभास का क्रेज़ है, जो प्रभास के लिए फैंस दीवाने हैं, वो ख़त्म हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी मूवियाँ खराब देंगे तो भाई जाहिर सी बात है पब्लिक उनको एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। और दोस्तों, अगर प्रशांत नील की बात करें तो वो इस मूवी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे, जिसे देख के तो ये लगता है कि प्रभास का कैरियर बच जाए। मैं नहीं मानता, क्योंकि वो इस मूवी पे KGF मूवी से भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूँगा प्रशांत नील से, कि भाई 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन आपने अभी तक ना उसका कोई मोशन पोस्टर दिया, ना ग्लिम्स दिया, ना प्रोमोशन पोस्टर दिया, ना ही उसका टीजर दिया। क्या सब चीज़ें एक ही साथ रिवील करेंगे, और क्या इतना सीक्रेट बना के रखे हो भाई मूवी के बारे में? तो उसके बारे में अच्छी खासी अपडेट दीजिए आप लोग। खैर, अगर बात करें सलार के टीजर की, तो सोर्सेज की माने तो इसका टीजर 7 जुलाई को आ सकता है। और भाई अगर आ गया तो भाई एकदम मज़ा सा ही आ जाएगा। और भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है। भाई अपन तो बहुत एक्साइटेड है, अब आप लोग के कमेंट से पता चलेगा कि आप लोग इस मूवी के लिए कितना वेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताएगा, कमेंट करके बताएगा, वीडियो को शेयर करेगा। भाई मैं कहीं और लोकेशन पर आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो जेन्युइन लोकेशन में वहाँ हूँ नहीं, कीजिए आया हूँ, तो भाई उसके लिए माफ़ करना, और बैकग्राउंड नॉइज़ उसके लिए माफ़ करना भाई, प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।